हेलो गाइस, मेरा नाम है केड़े और आप देख रहे हैं अर्क सर्वाइवर इवॉल्व एबरेशन एडिशन। तो गाइस, पिछले एपिसोड में हबन ने किया था बेबी, यस अपने पेट से बेबी निकला था। अगर वो एपिसोड आपने देखा नहीं होगा तो देख लो। अपने को हुआ था रीपर कीन बेबी। ओ, मेरे पेट अभी भी बड़ा लग रहा है भाई, ये क्या सीन है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और एक बेबी नहीं आ सकता मेरे पेट से। सो ये अपने को और एक बेबी नहीं निकालने का, अपन करेंगे लेकिन बाद में करेंगे। कमेंट सेक्शन बताओ, और एक मैं रिपर क्वीन से जरा झोल करूँ या ना करूँ। सो यार, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। लेकिन आज क्या करने वाले हैं? आज हम ये करने वाले हैं, आर्टिफैक्ट्स करने वाले हैं, आर्टिफैक्ट्स ऑफ द शैडो करने वाले हैं, लास्ट आर्टिफैक्ट। और फाइनली अपन रॉकवेल को फोड़ फोड़, वो कब से बुला रहा है मेरे को, वो हर बार भूकंप करता है और बुलाता रहता है मेरे को कि बैरिकेड आ जा, मेरे को टपका दे, ऐसा ऐसा बुलाता रहता है। सो उसकी इच्छा कंप्लीट करनी है अपने को। सो इसीलिए अपने को आर्टिफैक्ट ऑफ द शैडो चाहिए। अपने ये आर्टिफैक्ट और ये आर्टिफैक्ट का तो झोल हो चुका है, और लास्ट आर्टिफैक्ट बचा है वही करना है आज के एपिसोड में। लेकिन आज के एपिसोड ये करने से पहले गाइज, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार? सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब कुछ फ्री है, कर दो भाई यार। ओके, सो प्लीज़। ओके, और मेरे और एक चैनल है भालू बिल्ली, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें मैं माइनक्राफ्ट की वीडियो डालता हूँ, तो वो भी देख लो भाई। ओके, तो ठीक है, चलो गाइज अपना इस का वीडियो काइंड ऑफ चालू करते हैं। मैं नीचे गिर गया, वीडियो चालू होने से स्टार्टिंग में ही मैं नीचे गिर गया। नॉइस। तो बाय द वे, आज अपन अपने मिस्टर क्रैप को यूज़ करने वाले हैं। क्यों बोलोगे तुम? ऐसा क्यों बेर कैट, मिस्टर क्रैप की क्यों ज़रूरत आ गई? बिकॉज यार, ये जो केव है ना, ये नॉर्मल केव नहीं है, ये अंडरकवर केव है भाई साहब। ये अंडरकवर में मतलब बहुत ही अंडरकवर होने वाला है आज का एपिसोड, मतलब पानी के नीचे होने वाला है भाई आज का एपिसोड। सो या वी आर प्रिपेयरिंग फॉर फ्रिकिंग वॉर। ओके, बहुत डेंजर चीज़ें होने वाली है उधर। ओके, सो इसीलिए अपने को प्रॉपर रेडी रहना है। सो मैंने कुछ चीज़ें बनाई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने स्कूबा गियर बनाया और उनको फुल्ली ताकतवर बना दिया है। और मैं और एक चीज़ बनाने वाला हूँ, वो है रॉकेट लॉन्चर। यस, फाइनली वी कैन मेक अ रॉकेट लॉन्चर। और आई गेस मैं क्या रखने वाला हूँ, मेरे को क्या रखना चाहिए? मेरे पास एरो ठीक ठाक है, मैं इसको एक्चुअली चेंज कर देता हूँ, बिकॉज अंडर वाटर बैटल जो होने वाली है वो एक्चुअली में ये ऐसी हो सकती है, एरो की साथ होने वाली है। सो या, एंड मैं ये गन एक्चुअली इधर रख देता हूँ अभी के लिए, बिकॉज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अपना रॉकेट लॉन्चर किधर है भाई? रॉकेट लॉन्चर भाई जी किधर हो? ओ लेट्स गो, लेट्स गो रॉकेट लॉन्चर। और मैं सोच रहा हूँ एक्चुअली अपने को रॉकेट्स भी बनाने हैं। 76 बना सकते हैं, इतने नहीं बनाने हैं, 25 बना लेते हैं अभी के लिए, एंड ये बनते रहेंगे। और मैं सोच रहा हूँ और एक रॉकेट लॉन्चर बना के रखूँ सेफ्टी पर्पजेस के लिए। ओके, तो ये बनता रहेगा भाई दवे। ओके, सो अब आज अपन तो भाई दवे ये यूज़ करने वाले अपना मिस्टर क्रैबी पैच, और वो बहुत ओपी है, बहुत ही ओपी, मतलब बहुत ही ओपी है बोल सकते हो तुम लोग। एंड या, और ज़्यादा कुछ ये नहीं है अपनी प्लान्स। अपना रॉकेट ज़रा एमओ जल्दी जल्दी हो जाए तो अपन स्टार्ट कर देंगे। और बाय द वे मैंने लोकेशन ऑलरेडी उधर टेलीपोर्टर लगा दिया है, सो अपने को ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सीधा टेलीपोर्ट करके अपन जा सकते हैं आर्टिफैक्ट 3 स्टार्ट पे। ओके, सो या आई गेस मैं मिलूंगा उधर ही, बिकॉज ये होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ओके, हो गया लगता है, नहीं हुआ, क्या हुआ देखते हैं। हो गई या, नाइस। ओके, और ये भी है, मैं और एक रॉकेट लॉन्चर ले लिया। ओके, मेरे रॉकेट्स ले लिए क्या? नहीं लिए भाई, क्या ही। ओके, व्हाट यू मी रॉकेट्स मैन भाई, यू मी रॉकेट्स रॉकेट्स। ओके, तो मैं रीलोड कर लेता हूँ, एंड वी आर सेट हो गए हैं। ओके, सो फाइट करने के लिए वी आर रेडी, सो लेट्स गो टू द उधर 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 चलते हैं उधर। ओके, बस कैमरा बढ़ा देता हूँ मैं, बिकॉज 2.8 थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, बिकॉज उधर अंधेरा होने वाला है। एंड लेट्स गो, ओके, तो अपन आ चुके हैं। ओ माय गॉड। ओके, सो मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ कि ये एग्जैक्टली केव किधर है, एग्जैक्टली केव। ओके, मैं ओ भाई 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 भाई, नहीं 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 नहीं, ये नहीं यूज़ करना मेरे को। ओ दिस इज़ बैड। ओ मेरे को ये लगा, बक पहली फुर्सत में। ओके, तो इधर बहुत ज़्यादा डेंजर चीज़ है भाई, बहुत डेंजर चीज़ है। सो ये रही केव। ओ मैं क्राउच करने वाला था यार, इतना माइनक्राफ्ट खेलने लगा हूँ कि क्राउच से मेरे को पता है कि नीचे नहीं गिरते, तो भाई क्राउच करने लगा हूँ मैं। ओ भाई साहब,
तो बाय द वे ये है केव, ओके देख रहे हो इधर है केव वो वाली, ओके तो इधर से सीधा नीचे जाना है अपने को, इसलिए मिस्टर क्रैबिस को अपने को निकालना पड़ेगा। ओके लेट्स गो क्रैबिस जी, आ जाइए। आप रॉक ड्रेक पर भी आ सकते हो, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं, रॉक ड्रेक को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके भाई मैं इसको क्यों ऑक्सीजन लगा रहा हूँ भाई, ये क्या कर रहा हूँ मैं। ओके ओ भाई साहब मेरा आर्मर बहुत डैमेज हुआ है, सो मैं एक्चुअली चेंज करूँगा इसको अपने नॉर्मल इसके साथ, बिकॉज ये बहुत ओपी आर्मर है मेरा। हेलमेट हेलमेट भी चेंज कर लेते हैं, और हैंड ग्लव्स भी चेंज कर लेते हैं, और अपना जो हेलमेट है भाई क्या कर रहा हूँ मैं। ओके प्ले हाइड हेलमेट, ओके हाइड हेलमेट कर दिया अपन ने, सो वी आर सेट एंड वी आर रेडी टू गो। ओके सो लेट्स गो गाइज टू द केव, माय गॉड। ओके अपने को ये, ओ भाई बहुत ही ज्यादा स्पीड में जा रहे हैं अपन। ओके मैं केव में घुस गया, ओके अपन पहुंच गए। ओ भाई इतना इजी था, ओके इतना इजी था गाइस, देख रहे हो इतना इजी था, लेकिन अभी का आगे का इजी नहीं होने वाला है, अभी तो सबसे डेंजर डेंजर चीजें चालू हो जाएगी। ओके सो बी प्रिपेयर्ड, आउच इसको कुछ होता नहीं है। ओके मैं एक्चुअली मैं मेरी इसको भी बाहर निकालना चाहता हूँ एलना को, और इसको मैं स्कैन करवा सकता हूँ, इसको स्कैन कर जा भाई, स्कैन कर स्कैन कर, स्कैन नहीं करती। ओके व्हाटएवर, ओ भाई देखो मेरे को इसको टेम करना है ऐसे ची ऐसे क्रीचर को, मेरे पास कीबल नहीं है अभी। एक्चुअली मैं इसको कर सकता हूँ टेम, लेकिन मेरे पास डार्ट है क्या, मैं इधर क्यों टेमिंग का कर रहा हूँ भाई साहब, क्या ही बोले भाई। ओके इसको मार देते हैं, भागे देते हैं, पहली फुर्सत में गलती मार। एक्चुअली इसको कितना डार्ट लगेगा, इसको गाइस देखते हैं, जस्ट देखते हैं। ओके आए मेरे को नहीं पता इसको कितना डार्ट लगेगा, 1.5 K। ओके एंड अपने पास, ओके यार ये तो देखो बोला था ना मैंने, रॉक वेल तो बहुत ही ये हो गया है भाई, उसको तो मतलब कुछ भी करके फाइट करनी है। ओके ओ भाई इसको तो हो गया भाई, इसका तो गेम सेट हो गया। ओके मैंने उसको ज़्यादा मार दिया, जाते टाइम इसको अपन ये दे देंगे। ओके ओ भाई क्या धक्का दे रहा है रॉकवेल, बस कर यार रुलाएगा क्या। ओके तो ये इसको ओ भाई साहब, ओ भाई साहब गाइस धक्का दे रहा है रॉकवेल का बच्चा। ओके अपन इसके ऊपर बैठ जाते हैं, और आई गेस ये होएगा टाइम लगेगा इसको, 100 साल लग जाएंगे। सो अपन तब तक अपन केव हो जाएगी अपने, लिटरली आर्टिफैक्ट हो जाएगा अपना। सो या बाय द वे अभी ये सीन होने वाला है कि ओ ओके दिस इज ऑसम। एक्चुअली मैं इधर कौन सा भी मतलब माउंट है ना वो अंदर नहीं जा सकता, बट ओ ये रहा, ओके दिस इज ओके, कैन आई डू दिस, ओके ओ नहीं नहीं जा सकता मैं। ओके सो या मेरे को लगा था कि नहीं जा सकता, अगर आपके पास बैरियोनिक्स रहेगा नहीं तो दूसरा कोई ये रहेगा तो आप लेके जा सकते हो, बट मिस्टर क्रैब जी अटक गए हैं फाइनली। मेरे को लगा मिस्टर क्रैब पूरे अंदर तक आ जाएंगे भाई। ओके वी आर रेडी टू फाइट एंड अपना सब कुछ लोड करके, ओ वैसे भी इधर से तो मेरे को भी क्राउच करना पड़ रहा है, सो मिस्टर क्रैब की तो हालत ख़राब हो जाती बाग पहली फुर्सत में। मेरे को याद है गाइज मैंने जब फर्स्ट केव की थी ना, तब ये स्नेक जो थे ना उन्होंने मेरे को टॉर्पो दे दिया था और मेरे पीछे लग गए थे, आइसलैंड की केव थी। सो याद, सो ये याद मेरे को अभी भी है भाई, बहुत ही खतरनाक केव थी वो। ओके तो ये सबसे ब्यूटीफुल केव है, देख रहे हो गाइज, अगर यार इधर बेस बनाना चाहिए। ओहो तो बाय द वे आर्टिफैक्ट उस साइड किधर तो है। ओके और बाय द वे वो देख रहे हो गाइस सामने, मैं तुमको कैसे दिखाऊं, उधर देख रहे हो एक ड्रॉप है, उसमें सिकल और ग्लाइडर है, अपने को ग्लाइडर ऑलरेडी है, सो अपने को कोई प्रॉब्लम। एक ग्लाइडर से याद आया भाई, हेलो मेरा ग्लाइडर मैंने लगाया नहीं, थैंक गॉड मैंने ग्लाइडर बोला, बिकॉज ओ इसका कलर भी चेंज हो गया, वाह। ओके दिस इज गुड दिस इज गुड। ओके सो या नीचे पब्लिक है, नीचे पब्लिक नहीं है, ओके वट एवर। सो अपने को कुछ भी करके सेफली जाना है। एक्चुअली मैं इधर मिस्टर क्रैब को लेके आ सकता हूँ, ओके बट मेरे को नहीं लगता कि उनकी ज़रूरत पड़ेगी मेरे को, बिकॉज इधर कोई दिख नहीं रहा मेरे को, तो अभी तो दिख गया मेरे को, लेकिन अपन 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 एक काम कर सकते हैं, मेरी नॉर्मल बुलेट्स कहाँ है भाई, लगा दो भाई।
और इसका जो डैमेज हो है ना लॉन्ग नेक का भाई खलास कर देता है। एक्चुअली मेरे को उसको स्कोप लगाना चाहिए था गाइस भाई साहब, एंड ही इज डेड। सो या दिस इज माई पावर ऑफ। ओए कौन है एक्चुअली, मैं चार्ज कर सकता हूँ इसको? ओह इससे मैंने चार्ज चुरा लिया। ओह माय गॉड। ओके और एक चीज करते हैं अपन गाइस, एंड वो है अपने हॉट बार में ये लगा लेते हैं बिकॉज ये पिकेक्स ज़रूरी है, और ये भी लगा लेते हैं बिकॉज यार अपने को अभी एक चीज़ करनी है। ओके सो बेसिकली ये क्यूब बहुत बड़ी है लेकिन इसके बहुत सीक्रेट एंट्रेंस है। ओके सीक्रेट मतलब बोले तो बहुत कड़क वाले सीक्रेट एंट्रेंस है। सो अपने को उसी सीक्रेट एंट्रेंस में जाना है। उधर कोई तो है, ए छुपके बैठ से क्या फ़ायदा भाई, मेरे को दिख रहा है तो इधर है। ओ सॉरी सर, सीरियसली स्लाइम, ओ माय गॉड कितना ईवल हूँ मैं, बेचारे छोटे से बच्चे को मार रहा हूँ मैं, क्या ही बोले भाई। ओके अपन बराबर जा रहे हैं। हे ओ माय, ए भाई ओ माय, शिन नहीं करना। ओके तो अपन परफेक्ट आ चुके हैं उधर, इधर ये है और इसको अपन मार देते हैं गोली से। ओए ओए बंदूक निकालो। या दिस इज फ्रीकिंग ऑसम। ओके तो अभी तक कोई मॉब नहीं दिखा। आई गेस मैंने शायद से जो रिसेंटली ये किया था ना, क्या बोलते हैं डाइनो वाइप किया था ना, उसका नतीजा है ये। सो या एक्चुअली अच्छा ही है भाई। तो इधर ब्लू क्रिस्टल और बहुत ज़्यादा क्रिस्टल मिलेंगे आपको। मैं ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करने वाला बिकॉज मेरे को आर्टिफैक्ट करने है भाई। क्या अच्छा ये है क्या भाई, कब से मैं देखे जा रहा हूँ तो क्या चाहती है भाई, क्या चाहती है तेरे को, कुछ है कुछ करना है? ओके ये गोल गोल घुमा रही है, मेरे को चक्कर आ रहे हैं यार इसकी वजह से। ओके तो गाइज वो देख रहे हो, ओह व्हाट द हेक। ओके वेट मैं जूम नहीं कर पा रहा। ओके दिस इज नॉट गुड। ओके ये देख रहे हो उधर एंट्रेंस है। ओके सो अपने को ना उधर ग्रैपलिंग हुक मारना है अपना, और उधर से ये करना है पिकअप करना है। ओके सो मेरे को ग्लो स्टिक फेंक सकता हूँ क्या उतना ऊपर? वो देख रहे हो उधर एंट्रेंस है। ओ भाई परफेक्ट लग गया भाई, क्या ही बोले। तो वो जो खोपचा है ना, खोपचा, इसको खोपचा बोलते हैं मराठी में। सो उधर अपने को मारना है परफेक्टली, और अभी के लिए मैं इधर लगा देता हूँ। इधर क्या है, इधर कुछ तो है। ये बीच में आ रही है, इसको निकालो रे, पहली फुर्सत में निकल भाई, दिख नहीं रहा इसके वजह से मेरे को। ओके तो उसके ओके मेरे को परफेक्ट एंगल लेना पड़ेगा, नहीं तो बहुत लफड़ा हो सकता है गाइस। सो या ओ लग गया, ओ ये लग गया। ओके दिस इज गुड। ओके सो अपनी ग्रैपलिंग, व्हाट व्हाट द हेक, अबे देख तो, अरे पागल हो गया क्या, बावड़ा हो गया क्या? व्हाट, ओ यस 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 ऑफ कोर्स, मैंने ये नहीं किया है। ओके 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 सो मैं वही सोच रहा था ये हो क्या रहा है, इसको बावड़ा बिवड़ा हो गया क्या? लेकिन ये चड्डी में तो मैंने लगा ही नहीं। सो या ये चड्डी में लगाओ। ओके नहीं तो आप ऐसे ही पागलों की तरह मेरे तरह करते रहोगे। मेरे पेट्रोल की तरह है, इसमें पेट्रोल भर देता हूँ मैं। ओके तो अब मेरे को टेंशन नहीं होगा शायद से। सो ये करने की कोशिश कर रहा था मैं कब से, और वो मेरे को नीचे ढकेल रहा था। सो अभी ओ दिस इज बैड। ओके इधर स्नेक है। सो अभी क्या करो पता है क्या, ऐसे करने का और ऊपर जाओ थोड़ा सा। कैन आई डू दिस? ओके दिस इज डेंजरस क्लाइम बोल सकते हो, उधर स्नेक भी है, गलत जगह है। ओके ओके अपने को जंप के लिए जगह मिल रही है लेकिन उधर स्नेक दिख रहे हैं आपको। ओह नो सरफेस। ओके उधर स्नेक है, मैं अटक गया हूँ एक्चुअली हवे में, बट मैं क्या कर सकता हूँ पता है क्या, फिर से मैं ये कर सकता हूँ। ओह ओह ओ भाई गिर गया था मैं भाई, ओह माय गॉड। ओके सो ये दांत जो है ना वो अटका रहा है मेरे को भाई, ओह माय गॉड। ओके ओ भाई ये क्या सीन है वे, दिस इज एपिक। ओके ये निकाल देता हूँ, मेरे को घंटा दिख नहीं रहा इसकी वजह से। ओके मैं किधर लगा सकता हूँ,
ओ तेरी तो ये किसको मार रहा है मेरे को नहीं पता। ओके नीचे चलते थोड़ा सा। आगे नहीं है पीछे नहीं है, किधर जा सकते हैं अपन? ओ ओके इधर अपन अटक गए थे पिछली बार। थोड़ा सा ग्रीन मिल जाए ना, ये रहा ग्रीन। अरे यार ये सांप का बच्चा इधर ही है। ओके ओके फिर से मैं अटक गया हूँ इधर एक ही जगह पे। ओके ओके ओह दिस इज फ्रीकिंग बैड। ओ भाई साहब, ओ निकल 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 निकल, उतर 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 उतर, तेरी तो पैट। ओ भाई साहब दिस इज एपिक, ओ दिस इज ए फ्रीकिंग एपिक। मैं मरते मरते बचाऊँ अभी, और मेरे को टॉप पर चढ़ रहा होगा अभी। ओ भाई साहब मेरे को डर लगा था भाई, मैं बीच में अटक गया था और मेरे को लगा कि मैं गया, मेरी पेटी बनी अभी। सो या ओ दिस इज ओके 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 सो या अभी अपने को पता चल गया है कि इधर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। देर इज द सीकर। ओके मेरे को इसको टपकाना पड़ेगा। ओ दिस इज फ्रीकिंग बैड। ओके मेरे को प्ली लाइट बंद करो, अभी नेमलेस का झोल होगा। ओके ओके नहीं तेरी तो, ओ नहीं 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 कम ऑन। ओके ये गया। ओके थैंक गॉड। ओके इसको अपन एक शॉट गन से उड़ा देते हैं। ओ भाई सांप देख रहे हो भाई सांप, ये सांप बहुत डेंजर रहते हैं भाई। बाक ओके मेरे पास रॉकेट लॉन्चर है बे। मेरे क्या कर रहा है तू, इज्जत गवा रहा है तू, इज्जत गवा रहा है। भाई तो मैंने मैं एक्चुअली इसको निकाल देता हूँ, अगर क्लोज कॉम्बैट रहेगी तो वांदे लग जाएंगे। सो या और फिर से अपन ये करते हैं ऑन। बाय द वे मैं इसको क्यों निकालने की कोशिश कर रहा था पता है क्या? ओके अभी आ जा। हाँ एक्सप्लोर एक्सप्लोर कर, एक्सप्लोर इसको स्कैन कर, स्कैन कर। इसकी कमांड कैसी है भाई, ये स्कैन क्यों नहीं कर रही? ये स्कैन करना चाहिए इसको, इसने स्कैन नहीं कर रही है। एक काम है तेरा, वो भी नहीं कर रही है ये। एक्चुअली ये जो सीन है ना, इसको स्पेसिफिकली इसके लिए बनाया गया है। और सारे अगर अपन ने स्कैन कर लिए ना तो कुछ अच्छी चीज़ें मिलती है, स्किन मिलती है आई गेस। सो या अभी ये स्कैन नहीं करी तो पहली फुर्सत में गलती मार। सो या अगर ये स्कैन नहीं करेंगे तो हम इसको निकाल देंगे। ओके तो अपने को थोड़ा सा लाइट लगाना चाहिए। उधर स्कॉर्पियन है, थैंक गॉड इधर ये नहीं रहते। स्कॉर्पियन है। ओके लेट्स यूज अवर क्रेजी रॉकेट लॉन्चर। वाव इज्जत निकाल दी। याओ नाइस नाइस। नहीं आर यू जोकिंग मी, आर यू जोकिंग मी, तू रॉकेट लॉन्चर से कैसे बच गया? पक पहली फुर्सत में रॉकेट लॉन्चर से कैसे बच गया भाई तू? ओके सो गाइज फाइनली अपने सबसे डेंजरस मोमेंट पे आ चुके हैं। दिस इज सबसे क्रेजियस केव एंट्रेंस। ओके सो एंट्रेंस नहीं है, काइंड ऑफ मिडल बोल सकते हो, बिकॉज अभी अपने को कूदना है मौत की कुएं में, लिटरली बोल। अभी मैंने अभी तक ऑक्सीजन, व्हाट द हेक, मैं कब से ऑक्सीजन पहने हुए हूँ? वाह निखिल बेर कैट क्या कर रहा है तू? बेर कैट ओके यस यस सो सबसे डेंजरस चीज़ है ये। ओके सो आपको मैं दिखा देता हूँ, उधर बहुत सारे क्रीचर्स होंगे, बहुत डेंजर क्रीचर्स होंगे और बहुत डीप होगा ये होल। ओके तो मैं अपने ट्रस्टी क्रेजी एक्चुअली मैं इधर से सीधा कूद सकता हूँ नीचे पानी में, बट उधर तो एंगलर फिश है तो वो भी सीन है। नहीं तो अपन सीधा अपन ऐसे कर सकते हैं। ओके और अपन ऐसे एक एक काइंड ऑफ ये करते हुए जा सकते हैं। ओके सो ये देखा अब मैंने कैसे गया। ओके अभी मैं इधर ऐसे ऐसे जाऊँगा और मैं इधर अटक जाऊंगा एंड ये हो जाएगा। सो या अब ऐसे प्लेटफॉर्म्स रहते हैं बीच में,
तो अगर आप उसका यूज़ करोगे तो भी चलेगा, एक्चुअली वैसा करोगे तो ही अच्छा है, नहीं तो छलांग मारोगे तो हड्डी टूट जाएगी और प्रॉब्लम हो जाएगा। सो ये कुछ प्लेटफॉर्म से मैं इधर से इधर आया और इधर से सीधा नीचे आया। सो या अभी सबसे डेंजर पार्ट है, सबसे डेंजर पार्ट है, इधर खतरनाक खतरनाक चीज़ है अंदर। ओके सो अपने को प्रिपेयर होना है। मैं थोड़ा सा लाइट मार देता हूँ अभी, थोड़ा सा लाइट लगा लेते हैं एंड अपने मिस्टर क्रैपी जी को बुला लेते हैं। और अपना एक रॉकेट लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर का कोई ज़रूरत ही नहीं है इधर, रॉकेट लॉन्चर से कुछ होने वाला भी नहीं है। अपने को एरोज़ यूज़ करने पड़ेंगे और इसको आई गेस मैं आगे लगाऊंगा, इसको मैं इधर लगाऊंगा एंड इसको रीलोड कर लेते हैं। ओके बिकॉज़ अभी सबसे डेंजर बैटल हो सकती है। मेरे को पता नहीं अंदर कितना मॉब है, लेकिन लेट्स गो डाइव इन टू इट। बक 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 बक, ओ यस, मैं अंदर जा सकता हूँ क्या? ओ मिस्टर क्रैब अटक रहे हैं, दिस इज़ फ्रीकिंग बैड। अगर मिस्टर क्रैब अटकते हैं ना तो मेरी वाट लग जाएगी, बिकॉज़ वही मेरा सहारा है, मेरा आँखों का तारा है। ओ इधर कोई तो डेंजर है। ओ एंगलर की बच्ची, इधर आ जा, तेरे को कचूमर बनाता हूँ। ओके मिस्टर क्रैबी जिंदाबाद। ओके अपन सारे एंगलर को हटा रहे हैं। ओके मेरे को तो लगा था कि इधर ये रहेंगे, बट इधर तो मेरे को एक भी नहीं दिखाई दे। ओ भाई क्रोकोडाइल दिखा है, लेकिन अपन पहुंच गए, बद है। ओके मैं अटक गया। सो या अपन लास्ट स्टेज में आके अटक गए। ओके तो ये अपन ऑलमोस्ट पहुंच गए। मेरे को लगा था कि भाई बहुत खतरनाक सीन होगा और ये होगा, ये तो कुछ नहीं था, ये तो टट्टी था, ये तो टट्टी था। ओके ओके तो अभी अपने को क्या करना है? अभी अपने को इधर से चढ़ना है, बिकॉज ये एंगलर फिश अपने को ये कर सकती है। ओके लेट्स गो लेट्स गो। ओके अपन ये यूज़ कर सकते हैं एंड ओके कम ऑन, कैन आई प्लीज? ओके ओ ये पहुंच गए गाइस। ओके सो सबसे डिफिकल्ट पार्ट ये था और ये बहुत टट्टी था यार, मैंने ऐसा ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं किया था। आई गेस मैंने क्या किया पता है क्या? मैंने जब कल ये किया था ना, ज़रा लैग हो रहा था ना, तो मैंने डायनो वाइप कर दिया था। सो बेसिकली उसी के कारण ये हुआ। ओके सो और कुछ नहीं था इसका रीज़न, डायनो वाइप था रीज़न इसका। इतना इजी मॉब मिला अपने को, ये मॉब अभी तक स्पॉन ही नहीं हुआ है आई गेस। सो या अपनी लक है, सो अच्छा है, चलो कोई बात नहीं। अब एक्चुअली इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अपने को, बिकॉज अपन ऐसे कर सकते हैं और अपन अपने नॉर्मल आर्मर पहन सकते हैं। इसको मैं विंग सूट लगा देता हूँ और वी आर फ्रीकिंग रेडी। ओके अपने को किधर जाना है? ओ बाय द वे मेरा जूम काम नहीं कर रहा है। सो या एंड अपने को उस साइड जाना है। सो अपने को रैप हुक लगाना पड़ेगा भाई, हुक मिस्टर हुक लग जाओ। भाई बहुत इजी था, आई गेस आगे थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेट जस्ट सी। मेरे को तो कोई डिफिकल्टी नहीं लग रही अभी। या ओके ओ भाई साहब, सिर्फ डिफिकल्टी एक है कि अगर ओ भाई साहब नहीं 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 मैं बोलूँगा नहीं, बिकॉज नहीं तो वो हो सकता है। या ओए क्या कर रहा हूँ मैं? ओके सो अपन ऑलमोस्ट पहुँच गए आर्टिफैक्ट के पास। तुम लोग बोल सकते हो ऑलमोस्ट मतलब पहुंच ही गए, ये देख रहे हो वो आर्टिफैक्ट है उधर। और इधर ईल्स व्हील्स सील्स है, नेवी सील्स, बाय बाय सील्स ईल्स। और एक मेंढक बहुत बड़ा बुजुर्बुफ बैठा है, अभी वो नहीं बैठेगा उधर। या ही इज़ डेड, ही इज़ डिस्ट्रॉयड कम्प्लीटली। ओके सो या वो है आर्टिफैक्ट ऑफ द शैडो। ओके सो अपन इधर से ओके एंड लकी गयो एंड अपन इधर से सीधा निकलेंगे आर्टिफैक्ट ऑफ द शैडो के पास। लेट्स गो गाइस। यो 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 यो, ओ माय गॉड, मेरे को लगा था कहीं मैं गिर जाऊंगा। ओ भाई साहब बहुत ही खतरनाक नहीं था, मेरे को लगा था बहुत खतरनाक है, मैं बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करके आया था, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा मतलब ये नहीं था, ठीक ठाक था, बट मज़ा आया मेरे को, बहुत मज़ा आया। फर्स्ट टाइम मैंने बहुत दिनों के बाद मैंने मिस्टर क्रैब का यूज़ किया। सो या दूसरे भी रास्ते हैं, दूसरे भी बहुत डेंजर डेंजर वाले रास्ते हैं। सो मैं सबसे सीधा और इजी रास्ता यूज़ किया। ओके सो ये है आर्टिफैक्ट ऑफ द शैडो। ओके सो गाइज या आज का एपिसोड इतना ही था भाई साहब, बहुत टाइम नहीं लगा,
बट थोड़ी टीडियस प्रोसेस थी, थोड़ी टीडियस प्रोसेस थी, थोड़े केव्स एंट्रेंस एंड ऑल जो थे वो थोड़े कंफ्यूजिंग थे। सो या तो गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज का एपिसोड आई नो बहुत छोटा होगा, लेकिन यार ये बहुत ज़रूरी था एपिसोड, बिकॉज अपने को आगे की प्रोसेस कंटिन्यू करनी है और फाइनली अपन बॉस फाइट भी करेंगे। और मेरे को कमेंट सेक्शन में पक्का बताना कि आपको एपिसोड कैसा लगा। सेकंड, मैं और एक रीपर क्वीन का झोल करूँ या ना करूँ, ओके? और मैं कितने करूँ, मैं रीपर क्वीन की आर्मी बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, बिकॉज मेरे को हर बार प्रेग्नेंट होना पड़ेगा उसके लिए। सो यार सबसे डेंजरस पार्ट ये है। ओ भाई साहब, बट मज़ा भी बहुत आएगा। सो या मतलब या ओके। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं बोलूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और मेरा और एक चैनल है भालू बिल्ली, उधर भी देख लो भाई, उसमें मैं माइनक्राफ्ट की वीडियो डालता रहता हूँ और भी वीडियो डालूंगा जल्दी, बहुत ही जल्दी। सो ठीक है, आज के सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय सानारा, फिर मिलेंगे दोबारा। बाय बाय पीस आउट, बाय बाय।